दमोह जिले में चिल्लर की समस्या बनी हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा परेशानी पुजारियों के सामने बन रही है। पुजारियों को दान दक्षिणा में मिलने वाली राशि चिल्लर के रूप में सबसे ज्यादा सिक्के मिलते हैं, जो परेशानी का सबब बने हुए हैं, जिन्हें दुकानदारों के साथ अब फाइनेंस कंपनी भी चिल्लर लेने से मना कर रही है। यही वजह है कि पुजारियों को अब पुलिस की शरण में जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कुछ इसी तरह का मामला दमोह शहर के कोतवाली क्षेत्र में देखने को मिला, जहाँ पर एक फाइनेंस कंपनी में स्कूटी की किस्त जमा करने गए पुजारी को चिल्लर लेने से फाइनेंस कंपनी ने मना कर दिया। बस फिर क्या था, फाइनेंस कंपनी को यही मुसीबत बन गया और पुजारी जा पहुंचा पुलिस की शरण में, जहां एसपी से शिकायत की गई। पुजारियों की समस्या सुनकर पुलिस प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लिया और फाइनेंस कंपनी के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने के लिए कोतवाली थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है। कुल मिलाकर अब देखना यह है कि पुजारियों के लिए समस्या बनी चिल्लर फाइनेंस कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद क्या उन्हें न्याय मिल पाएगा। दमोह से इम्तियाज चिश्ती की रिपोर्ट। मैं अनुराग उपाध्याय, मेरे पिताजी जटाशंकर राम मंदिर में पुजारी हैं। हमारे यहाँ पे चढ़ोतरी में 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के आते हैं। चिल्लर से हमारे पूरे परिवार का जीवन यापन होता है। आज मैंने एक गाड़ी श्रीराम प्राइवेट कॉरपोरेशन लिमिटेड से एक गाड़ी फाइनेंस कराई थी जनवरी में। उसकी जब आज हम 5वीं किस्त डालने के लिए गए, तो जब मैं चिल्लर लेके पहुंचा तो उनने चिल्लर लेने से मना कर दिया। उसके बाद हमने तुरंत आके एडिशनल एसपी साहब को एक आवेदन दिया। आवेदन में एडिशनल एसपी साहब ने तुरंत कोतवाली जाके एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। ये जटाशंकर मंदिर के पुजारी राहुल उपाध्याय मेरे समक्ष प्रस्तुत हुए थे जी। उन्होंने अपनी पीड़ा बताई कि मैं चिल्लर लेकर के श्रीराम फाइनेंस कंपनी गया था, क्योंकि मैंने वहाँ से अपनी एक बाइक फाइनेंस कराया था। उस बाइक फाइनेंस की जो इंस्टॉलमेंट थी उसकी आज लास्ट डेट थी, क्योंकि वो चिल्लर लेकर के गया था, चिल्लर लेने से मना कर दी फाइनेंस कंपनी वाले। इसके संबंध में उनका आवेदन कोतवाली कार्रवाई के लिए भेजा गया। क्या कार्रवाई की जाएगी उसमें? ये जो एक्ट बन रहा है उसके तहत कार्रवाई।